Assalamu alaikum. Hi, viewer, dear students. Hope that you will be fine. So, dear students, आज हमारा lecture number 23 जो है वो start होने लगा है, जिसको हम computer networks के अंदर history of internet और sources of internet को जो है वो आज हम detail से discuss करेंगे. तो before the start of the lecture दूसरी पढ़ेंगे اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. So dear students, ये हमारा आई थिंक चैप्टर नंबर सेकंड का जो है वो लास्ट टॉपिक है. तो कमिंग डेज में, जिस तरह कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा क्लासेस का भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 1 फरवरी से प्रॉपरली फिजिकल क्लासेस का आगाज़ होने को जा रहा है. तो आई थिंक जो 1 फरवरी है उससे एक वीक जो है वो ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं, एक वीक या दो वीक हो जाएंगी. तो इसके बाद आपको फिजिकल एग्ज़ाम देना होगा, आपने फिजिकल एग्ज़ाम देना है जाके. तो ये मत समझें कि अब ऑनलाइन वाला सिस्टम चलेगा, ऑनलाइन सिस्टम कोई नहीं चलेगा. तो इसलिए आपको प्रॉपरली जो है, बाकी टीचर्स तो पता नहीं अभी लेक्चर देते होंगे या नहीं, लेकिन मैं प्रॉपरली इसलिए जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ताकि आपका किसी भी किस्म का लॉस ना हो. क्योंकि प्रीवियस अगर हम अंदाज़ा करें पेपर्स का, तो पेपर जो है वो मुकम्मल सिलेबस से बन के आए हैं. जो लास्ट टाइम अभी लॉकडाउन गुजरा है तो उसमें किसी ने भी किसी किस्म का जो है वो रिलैक्सेशन नहीं दी कि बच्चे कोविड-19 की वजह से पढ़ नहीं सके या लेक्चर इस तरह थे, किसी किस्म का कोई जो है लेम एक्सक्यूज जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ. टीचर्स ने मुकम्मल सिलेबस से, कंप्लीट सिलेबस से पेपर बना के यूनिवर्सिटी को भेजे हैं. तो स्टूडेंट्स बाद में जो कहते हैं कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रॉपरली जो अगर लेक्चर नहीं भी सुने तो काइंडली उनको अच्छी तरह सुने. तो आए जी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. अच्छा जी, इंटरनेट क्या होता है? सबसे पहले हमने ये जानना है कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के बारे में हम क्या जानते हैं. बेसिकली इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम. ये बेसिकली एक ग्लोबल सिस्टम होता है. ग्लोबल सिस्टम मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला होता है, ग्लोबल में जहां से मर्जी आप जो चीज जो है वो आप सर्च आउट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं. सो इंटरनेट ग्लोबल सिस्टम ऑफ द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स. और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं. ये देखें, ये इंटरनेट कनेक्टेड, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्टेड है. तो ये तमाम की तमाम डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है. तो ये आपस में लिंक्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP. हमने लास्ट टाइम TCP/IP का टॉपिक डिटेल से डिस्कस किया था. इसके थ्रू जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं टू कम्युनिकेट बिटवीन नेटवर्क एंड डिवाइसेस. नेटवर्क और मुख्तलिफ मशीन्स, कंप्यूटर या डिवाइसेस के दरमियान में आपस में ये कनेक्टिविटी करवाते हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं. तो ये जो नेटवर्क है ये बेसिकली ये इन टेली कम्युनिकेशन लिंक्स के साथ जो है वो लिंक्ड होता है, जिसके अंदर टेलीफोन लाइन आ गया, फाइबर ऑप्टिक केबल आ गया और वायरलेस कनेक्शन आ गया. ये तीनों के साथ जो है ये कनेक्टेड हो सकते हैं. या टेलीफोन लाइन के थ्रू आपका इंटरनेट कनेक्ट है, या फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू कनेक्ट है, या फिर आपका वाया वायरलेस आपका कनेक्ट है, जिसको हम वाईफाई का नाम देते हैं. ये देखें, ये वाईफाई का एक निशान है, सिंबल है, जिसको हम वायरलेस का नाम देते हैं. नेक्स्ट ये स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इसमें से MCQs बन सकता है, 2 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. द वर्क ऑन इंटरनेट वॉज स्टार्टेड 1960 में ही ये काम शुरू हुआ. कहाँ पे? इन यूरोप, फॉरन यूरोप के अंदर हुआ. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जब एक जंग का आगाज हुआ ना, पहली उधर जो फॉरन यूरोप के अंदर जब जंग का आगाज हुआ, तो तब ये 1960 में इसका जो है कॉन्सेप्ट आया.
तो किस किस की जंग थी? रूस और अमेरिका की जो थी वो जंग थी। अमेरिकन जो अमेरिका की फौज थी वांटेड टू कम्युनिकेट विद द आर्म्ड फोर्स, जो अमेरिका की फौज थी वो अपनी आर्म्ड फोर्स जो बैक एंड पे थी या जो सरहदों पे बॉर्डर्स पे खड़ी थी उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहती थी ताकि हर किस्म का मुहासबा हो सके दुश्मन का। तो उस वक्त फिर क्या हुआ, दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ फोर कंप्यूटर। सबसे पहले चार कंप्यूटर आए एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग पे फोर कंप्यूटर्स के साथ ये नेटवर्क का आगाज हुआ। ट्रांसमिटेड डाटा, डाटा को ट्रांसमिट किया जाता था, वाज ब्रोकन अप इनटू स्मॉल पैकेट्स ऑफ डाटा, छोटे छोटे पैकेट्स में डाटा को सेंड किया जाता है, जिस तरह आपको ऑलरेडी पता होगा, डेस्टिनेशन तक एंड रिजेंबल्ड एट द अदर साइड। तो आहिस्ता आहिस्ता जो भी पैकेट छोटे छोटे होते हैं वो आपस में मिल मिला के इकट्ठा डाटा दूसरी तरफ चला जाता है, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द यूएस डेवलपर्स, जो उधर के यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जो डेवलपर थे, अ सिमिलर अमेरिकन सिस्टम इन 1968 दैट वेंट इनटू ऑपरेशन द ईयर आफ्टर द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो ये एक अदारा था जिसको हम DARPA के नाम से दिया, इसको वो कहते होते थे डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। तो इसने बेसिकली 1968 के अंदर ये वाला सिस्टम जो है ये डेवलप किया, इसको मार्ज वजूद में मंजरे आम पे लेके आए। तो जो बेसिक फोर कंप्यूटर का नेटवर्क था। वेरी यूनिवर्सिटीज, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और रिसर्चर्स ने, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज ने आल्सो स्टार्टेड द डेवलपमेंट, उन्होंने भी डेवलपमेंट का जो है वो स्टार्ट किया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ने जब काम करना शुरू किया, सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ देयर ऑन नेटवर्क्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर करने लगे एंड डेटा विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ। ठीक हो गया जी। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, चंद साल बाद, ऑल नेटवर्क्स ऑफ यूनिवर्सिटीज आर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वर कनेक्टेड बाय DARPA, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो कुछ ही सालों बाद ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, ये ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये कंपनीज थी, ये आपस में कनेक्टेड हो गई किसके थ्रू, ये जो डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। तो फिर क्या हुआ, टू मेक द वर्ल्ड बिगेस्ट नेटवर्क, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया उस वक्त। बाकी समझ आ रही ना, तो दिस नेटवर्क इज नाउन एज इंटरनेट, इसको उन्होंने इंटरनेट का नाम दे दिया। इन 1989, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑल प्रीवियस नेटवर्क्स वर रिप्लेस्ड, जितने भी पुराने नेटवर्क थे प्रीवियस नेटवर्क से वो रिप्लेस किसके साथ हो गए, NSFNet, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, इससे यानी कि रिप्लेस हो गए। द इंटरनेट फैसिलिटी वॉज नो अवेलेबल टू अ कॉमन पीपल, अब जो करंटली जो टाइम जा रहा है तो इसमें आम सा शख्स जो भी है उसके पास भी इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। सो डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आ गया सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब आ गया हमारे पास। तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स दैट कि वो तमाम की तमाम कनेक्टिविटी, वेबसाइट्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टेड है आपस में, लाइक यू कैन से कि मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, यू कैन से कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ वेबसाइट्स कनेक्टेड विद ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन और एनी मोर देन यू कैन से कि जो भी चीजें इसके अंदर आ रही हैं कि आपकी पिक्टोरियल शेप आ जाती है, ग्राफिक शेप आ जाती है, उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट के अंदर डाटा आता है उसको शेयरिंग के लिए। तो ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है कि हमारी मिलियंस वेबसाइट जो हैं
वो आपस में इंटरकनेक्टेड है और आपस में डाटा की सेंडिंग रिसीविंग शेयरिंग जो है वो कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो www इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ वेबसाइट्स, यानी कि मिलियन जो वेबसाइट्स हैं जो जिनकी कलेक्शन है। अ वेबसाइट कंटेन डिफरेंट वेब पेजेस, एक वेबसाइट जो होती है डिफरेंट वेब पेजेस पे कंटेन और इंफॉर्मेशन कंटेन कर रही होती है, उसके अंदर डाटा होता है। वर्ल्ड वाइड वेब ऑर्गेनाइज दिस इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट यूजर्स कैन इजीली सर्च एंड एक्सेस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। कि इसका मतलब ये है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन गेट करना चाहता है यूजर या आप, तो इजीली जो है वो सर्च कर लेता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप इजीली जाके इंटरनेट पे जाके कोई भी चीज टाइप करते हैं, लाइक यू कैन से कि आप टाइप करते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट www, तो मल्टीपल वेबसाइट्स कंसिस्ट कर रही हैं आपके गूगल क्रोम के ऊपर के आप उसके अंदर मल्टीपल इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं, मल्टीपल आइडियाज कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। तो सो मीन्स दैट ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नो ईमेल, ऑलरेडी यू नो अबाउट ईमेल, व्हाट इज ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल बेसिकली यू कैन से ईमेल इज अ टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर ट्रांसमिटेड, लाइक यू कैन से यू कैन सेंड और रिसीव टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियोज, वीडियोज, साउंड्स, इमेजेस, एनिमेटेड एंड एनी अदर टाइप ऑफ डाटा यू कैन सेंड और रिसीव थ्रू ईमेल। बात की समझ आ गई ना, चले सादा लफ्जों में समझ लें। ईमेल हमारे पास एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। और उस डाटा के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, पहले नंबर पे हम इमेज, टेक्स्ट डाटा, ग्राफिकल डाटा, एनिमेटेड डाटा, साउंड डाटा, वीडियो डाटा, ऑडियो डाटा। तो ये तमाम का तमाम जितने मैंने अभी कॉल किए हैं वन बाय वन, इनको हम सेंड और रिसीव इजीली कर सकते हैं। बात की समझ आ गई, नेक्स्ट मूव करते हैं। टेलनेट, बेसिकली टेलनेट हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा रिमोट आला है जिसको हम टर्मिनल नेटवर्क का नाम देते हैं। ये देखिए, टर्मिनल नेटवर्क का नाम देते हैं। टर्मिनल नेटवर्क इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू कनेक्ट अ रिमोट कंप्यूटर टू इंटरनेट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रिमोट कंप्यूटर को, जो आपके पास अपना कंप्यूटर है उसको इंटरनेट तक कनेक्ट होने में, उसकी कनेक्टिविटी होने में अपना कलीबी किरदार अदा करता है। अ डिवाइस कैन एक्ट लाइक अ टर्मिनल। ये जो डिवाइस होती है एक टर्मिनल के तौर पे काम करती है जो कि कनेक्टेड टू द रिमोट कंप्यूटर, जो रिमोट कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। इट अलाउज अ यूजर टू लॉग ऑन टू अ रिमोट डिवाइस। ये रिमोट कंप्यूटर के साथ यूजर जो होता है उसको लॉग करती है कि रिमोट डिवाइस के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, कनेक्ट लिंक्ड कर सकते हैं। द यूजर कैन लॉग ऑन टू द कंप्यूटर एंड यूज इट एज इफ ही इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो डायरेक्टली तौर पर जैसे ही कंप्यूटर के साथ वो अटैच होता है लॉग इन होके, तो फिर हमारी डाटा की सेंडिंग रिसीविंग जो है थ्रू कीबोर्ड माउस जो है ऑटोमेटिकली परफॉर्म, काम जो है परफॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इसको हम टर्मिनल नेटवर्क का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है जी टर्मिनल कंप्यूटर और एक होता है जी, यू कैन से एक होता है रिमोट डिवाइस या रिमोट कंप्यूटर, एक होता है लोकल कंप्यूटर। अब जरा गौर करनी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP इज यूज टू ट्रांसफर फाइल। बेसिकली इसका मकसद होता है फाइल को ट्रांसफर करना, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू फाइल को ट्रांसफर करना। वो फाइल किस किस पे कंसिस्ट हो सकती है, वो ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है,
ग्राफिकल हो सकती है एंड डेटा फाइल्स हो सकती हैं, कैन बी अपलोडेड और डाउनलोडेड यूजिंग एफटीपी। तो एफटीपी के थ्रू हम डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो मजीद कंसेप्ट आगे आगे कि अपलोडिंग क्या होती है, डाउनलोडिंग क्या होती है। पहले अपलोडिंग और डाउनलोडिंग मैं आपको सादा लफ्जों में समझा दूं, बाद में डेफिनेशन पढ़ते हैं। बेसिकली जो डाउनलोडिंग होती है ना, आपको आमतौर पर पता है कि आप मीडिया का दौर है, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। डाउनलोड का मतलब होता है कि इंटरनेट से आप चीज अपने सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हैं, वो क्या है डाउनलोड। इंटरनेट से आप अपने मोबाइल के अंदर लेके आ रहे हैं, वो क्या है डाउनलोड। अपलोड, आप फेसबुक पे जाते हैं, आप अपनी पिक्चर को अपलोड करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके सिस्टम के अंदर है या मोबाइल के अंदर है, जिसको आप इंटरनेट पे भेजते हैं। जैसे आप इंटरनेट पे भेजते हैं तो उसको हम कहते हैं जी अपलोड कर दिया हमने। बात की समझ आ गई ना। अब बाय डेफिनेशन की तरफ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम रिमोट डिवाइस टू लोकल डिवाइस। ये जो रिमोट डिवाइस है ना, ये आपका है इंटरनेट, ये आपका है इंटरनेट का सर्वर। रिमोट डिवाइस कौन सी है, यह है इंटरनेट, जहां से आप डाटा को डाउनलोड करते हैं लोकल। ये लोकल डिवाइस वो है जो आपके हाथ में आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है, या आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, उसको हम लोकल डिवाइस कहते हैं। जब रिमोट डिवाइस से आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर चीज आती है तो क्या हो गया जी डाउनलोडिंग। ये देखें, और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम लोकल डिवाइस, जब आपके सिस्टम से टू रिमोट डिवाइस, जब आपके सिस्टम से रिमोट डिवाइस की तरफ डाटा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा जी, वो अपलोडिंग कहलाएगा। बात की समझ आ गई, सादा लफ्जों में समझाया, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, गोपर। गोपर बेसिकली एक हमारे पास एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, जो कि हमें एक प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके अंदर एबिलिटी होती है टू एक्सट्रैक्ट एंड व्यू वेब डॉक्यूमेंट। जो आपका वेब का डॉक्यूमेंट होता है वो उसके अंदर व्यू होता है। जिस तरह मैं आपको एक सादा एग्जांपल दूं, एक पिक्चर है तो वो आपकी किसके अंदर ओपन होगी, जो आपकी यहाँ पे पिक्चर का सॉफ्टवेयर है। आपका जो डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट है, किसके अंदर ओपन होगा, वर्ल्ड के अंदर होगा। पीडीएफ की फाइल है तो किसके अंदर ओपन होगा, पीडीएफ या अडोब रीडर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये भी एक हमारे पास वेब डॉक्यूमेंट जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करवाता है, उसको व्यू करवाता है, जिसको हम फिर देख सकते हैं। स्टोर्ड ऑन रिमोट वेब सर्वर, वेब सर्वर के ऊपर जो होता है ये रिमोट जो होता है सेव होता है। इट कुड ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन बिकम इजी ऑन इंटरनेट। तो इसके थ्रू जो होती है ये एक टाइप का, ये एक ब्राउजर ही होता है, ये जो गोपर होता है ना ब्राउजर होता है। इसके थ्रू आप सर्चिंग कर सकते हैं, डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। सिंपल सी बात है, बात की समझ आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, चैट ग्रुप। चैट ग्रुप मीन्स दैट एक्सचेंज द व्यूज, एक्सचेंज द आइडियाज विद अदर पीपल, विद योर फ्रेंड, विद योर फेलोज, विद योर टीचर्स, विद योर यू कैन से पेरेंट्स, कि आप अपने जो व्यूज हैं उसको एक्सचेंज करवाते हैं, उसका तबादला ख्याल करवाते हैं किसी दूसरे के साथ। आमतौर पे आपको पता ही है आप कौन सा शरीफ लोग हैं, तो मतलब मीन्स दैट के शरीफ मीन्स दैट के आप चैट वगैरह करते हैं, ये व्हाट्सएप है, आप इधर भी लगे रहते हैं, मैं देखता हूँ। आपने कोई भी काम की बात नहीं करनी होती स्टडी के रेलेवेंट, तो छोड़े। अब यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैट मींस दैट कि आप अपने व्यूज को एक्सचेंज करवाते हैं, आप अपने व्यूज का तबादला ख्याल करवाते हैं, कि ये नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन का हल निकालते हैं। आप अज्यूम दैट मेरे साथ ही बात करते हैं, आप कोई ना कोई क्यूरी करेंगे उसका आंसर जाएगा, तो मींस दैट कि व्यूज एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में। सो यहाँ पे अगर आए, चैट ग्रुप इज ग्रुप ऑफ यूजर्स विद सिमिलर इंटरेस्ट,
कि ये हमारा एक ग्रुप होता है जहाँ पे हमारी सिमिलर एक जैसी इंटरेस्ट होती है. लाइक यू कैन से कि हम स्टडी के रेलेवेंट बात कर रहे हैं तो हम एक लेक्चर के रेलेवेंट डिस्कस कर रहे हैं आपस में. द यूजर कैन इंटरेक्ट विद वन एन अदर इन रियल टाइम. रियल टाइम में यूजर जो होता है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, लिंक्ड हो सकता है. इट मीन्स दैट दे आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम. इसका मतलब ये भी होगा कि एक टाइम के अंदर तमाम के तमाम लोग ऑनलाइन है और आपस में चैट परफॉर्म कर रहे हैं. क्लियर है जी? नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. इंटरनेट. इंटरनेट क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, गौर से देखना है इसको. इंटरनेट बेसिकली एक प्राइवेट एंड सिक्योर बिजनेस नेटवर्क होता है. अगर हम सादा लफ्ज में बात करें कि एक बैंक की बात कर लेते हैं, एक बैंक और उसके अंदर उसके एम्प्लाइज जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है, और जो एम्प्लाइज के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन कह लें वो आपके नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क है. तो इट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये इंटरनेट जो है ये इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉइज को, जो भी कंपनी के एम्प्लॉइज है. द इंफॉर्मेशन कैन बी सिक्योर्ड फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर. जो भी आपकी इंफॉर्मेशन सेव होती है आपके बैंक के अंदर या आपकी प्राइवेट कंपनी के अंदर वो बिल्कुल अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बिल्कुल सिक्योर्ड होती है. इट इज डिजाइन टू मीट द इंटरनल नीड्स फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद इन अ सिंगल कंपनी. आप एक कंपनी में रहते हुए अपनी तमाम की तमाम जरूरियात जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. मीन्स दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस लॉजिक इंट्रानेट. नेक्स्ट मूव करते हैं जी. एक्स्ट्रा नेट आ गया. अब एक्स्ट्रा नेट को देखेंगे. जब दो या दो से ज्यादा इंट्रानेट आपस में मिल जाए, ये जरा गौर से सुनिए बात. पहले हमारा इंटरनेट का किलर जो है हमने उसको डिस्कस किया कि ये सिक्योर होता है, ये एक लिमिटेड होता है, ये एक बैंक के अंदर होता है, ये एक कंपनी के अंदर होता है. कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है इसको एक्सेस नहीं कर पाता. तो ये बेसिकली इसका इंटरेक्ट होता है अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो भी आउटसाइड से आपकी कंपनी में आ सकता है. जिस तरह कोरियर कंपनी है या TCS है या अब हमने कोई भी ये DHL है हमने करवाना हो तो बाहर से भी कोई करवा सकता है. अब TCS जो है वो तो लिमिटेड सी है, यहाँ तक है. जो DHL है वो बाहर की कंपनी है, बाहर से हम लोग जो है वो भी उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं. या ये जो ये किसके थ्रू आई थिंक पैसे आते हैं बाहर से, मनी ट्रांसफर जो होती है ये मल्टीपल है जो मनी एक्सचेंजर्स होते हैं, तो ये भी इस एक्स्ट्रा नेट की कैटेगरी में आते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक्स्ट्रानेट इज अ कलेक्शन ऑफ टू आर मोर इंट्रानेट. दो या दो से ज्यादा जब इंट्रानेट आपस में मिलते हैं तो एक एक्स्ट्रानेट का कंसेप्ट बन जाता है. इट कैन बी यूज एक्सेस्ड बाय ऑथराइज्ड यूजर फ्रॉम आउटसाइड. तो यहाँ पे ऑथराइजेशन होती है यूजर्स को कि आप इस नेटवर्क के अंदर ऑथराइजेशन किसी भी कंपनी है या आपकी कोई इंडस्ट्री है या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं. वेरियस कंपनीज कैन यूज एक्स्ट्रा नेट टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर इंट्रानेट्स. तो आपकी जितनी भी मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो एक्स्ट्रा नेट को यूज करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं अपने इंट्रानेट के साथ, जो भी उसके छोटे हैं इंट्रानेट होते हैं, छोटे एक्स्ट्रा नेट बड़ा नेटवर्क होता है. अ कंपनी कैन अप्लाई सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोवाइड लिमिटेड एक्सेस. तो ये कंपनी जो है वो अपनी सिक्योरिटी मेजरिंग जो है वो अप्लाई कर सकती है. किस पे? अपनी जो एक्स्ट्रा नेट की एक्सेसिबिलिटी के लिए सिक्योरिटी मेजर्स को जो है वो अप्लाई कर सकती है. तो बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा इंटरनेट आपस में मिलते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा नेट की कलेक्शन होती है. इस पे अनऑथराइज्ड होता है जितने भी यूजर्स होते हैं बाहर से या कंपनी से हूँ, तो इसके अंदर जो है मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो अपना डाटा की सेंडिंग और रिसीविंग कर सकती हैं अपने इंटरनेट के साथ. सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी होगी.
भी अगर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर मेरा अवेलेबल है, तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं, मैसेज पे बात कर सकते हैं। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड एज प्रायोरिटी बेसिस। तो होप दैट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके लिए हाजिर होंगे फिर। तो फिल वक्त के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।